तो जब वेरिफिकेशन का सिद्धांत आयर ने दे दिया और दोनों तरह का वेरिफिकेशन बता दिया, तो आयर ने एक एक चीज़ को हेगल की परखना शुरू किया। हेगल ही नहीं है, और भी जो मेटाफिजिशियन थे उनके एक एक जजमेंट को लाना शुरू किया। अब सारे जजमेंट तो हम ला नहीं सकते, लेकिन एक एक जजमेंट को लिया है, दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ एब्सोल्यूट। कैसे परखोगे भाई, एब्सोल्यूट क्या है? पहले तो एब्सोल्यूट को ही देखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट इज ए फैक्ट और नॉट। फैक्चुअली बताओ क्या एब्सोल्यूट है जी? नहीं, फैक्चुअल नहीं है जी, ये तो लॉजिकल है। तो लॉजिकल है तो फिर साइंटिफिक जजमेंट कैसे दोगे? साइंस के जजमेंट तो फैक्चुअल होते हैं, और आपने कह दिया तो लॉजिकल है जी। भगवान की चार टांग होती हैं, लॉजिकली हमने सिद्ध किया है कि उसने एक टांग से पूर्व को उठा रखा है, एक टांग से पश्चिम को उठा रखा है, एक टांग से दक्षिण को उठा रखा है, एक लॉजिकली हमने कहा अगर ऐसा ना होता तो जिस तरफ ईश्वर की टांग नहीं होती ना, वो नीचे घुस जाता। अब लॉजिकली बात कह रहे हैं, वेरीफाई करके दिखाओ। अगर डायरेक्ट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो मेथड बताओ, क्या मेथडोलॉजी आपके पास इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की? चुप हो जाते हैं सारे मेटाफिजिशियन जो हैं, वो बगलें झांकने लगते हैं। कैसे बताएं इसको? हमने जो बात कही है उसमें वो सत्य है या असत्य है, और जो चीज़ ना सत्य हो ना असत्य हो मीनिंगलेस है, उसके लिए जैसे हमने कहा नॉनसेंसिकल है। नॉनसेंसिकल का दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, मूर्खतापूर्ण है। तो इन्होंने इस तरह से करके मेटाफिजिक्स का एक एक जजमेंट लेकर के, क्योंकि मेटाफिजिकल जजमेंट एनालिटिक तो होते नहीं, एक्चुअल तो होते नहीं, और फैक्ट को आप दो ही तरह से करोगे, या तो ऑब्जर्वेशन के और या उसका कोई मेथड बताओगे, वैज्ञानिक मेथड। तो हेगल ने सारी मेटाफिजिक्स को निरस्त कर दिया। एक भी जजमेंट मेटाफिजिक्स का फैक्चुअल जजमेंट नहीं होता, इसलिए कोई जजमेंट भी वेरीफाइबल नहीं होता। और जो जजमेंट वेरीफाइबल नहीं है वो तो तुक्के हैं, कोई भी तुक्का मार दो। मैंने तुक्का मार दिया कि अल्लाह चौदहवें आसमान पर बैठा है, और दूसरे ने तुक्का मार दिया कि अल्लाह सातवें आसमान, भगवान सातवें आसमान पर बैठा है। अब कैसे वेरीफाई करोगे भाई? डायरेक्ट तो वेरीफिकेशन कर नहीं सकते, तो मेथड बताओ। सातवें आसमान, सातवां आसमान कहाँ है, और वहाँ पहुँचने का क्या रास्ता है, वहाँ पहुँचने का क्या तरीका है, उसको वैज्ञानिक ढंग से बताओ, ताकि हम उसी तरह की कोई चीज़ बना सकें और वहाँ जा कर के वेरीफाई कर सकें। तो इस तरह ये वियाना सर्कल जो है, इसने सारी मेटाफिजिक्स का कबाड़ा कर दिया। एक एक जजमेंट को लेकर धज्जियाँ उड़ा दें, ना तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ना मेथड बता सकते हैं, सारी मेटाफिजिक्स। हेगल ध्वस्त हो गए, हेगल को नीचे गिरा दिया, कांट को नीचे गिरा दिया। कांट कहते थे तीन चीज़ें संसार के अंदर ऐसी हैं जो थिंग इन इटसेल्फ हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। वो कहते जिनको देख ही नहीं सकते उनको वेरीफाई कैसे करोगे तुम? तो जो जो मेटाफिजिशियन बड़े बड़े धुरंधर थे अपने, इस वियाना सर्कल ने यानी लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने उन सब की धज्जियाँ उड़ा दी विज्ञान के आधार पर। जो जजमेंट दो वैज्ञानिक जजमेंट दो, फैक्चुअल जजमेंट हो, और फैक्चुअल जजमेंट वो है जो वेरीफाई किया जा सकता हो। अब इन्होंने जब मेटाफिजिक ख़त्म कर दी तो फिर फिलॉसफी का काम क्या रह गया? सबसे पहला काम फिलॉसफी का ये रह गया, क्लैरिटी। जो भी समस्या है उस समस्या को पहले क्लियर करो।
अगर वो समस्या फैक्चुअल नहीं बनती, फैक्चुअल समस्या में रिड्यूस नहीं होती, तो उसका निराकरण कर दो, उसको मीनिंगलेस कह दो, फेंक दो। तो फिलॉसफी का सारा काम रह गया कि एक एक समस्या को जो भी हमारे सामने आती है उसको किसी ना किसी रूप से हम फैक्चुअल प्रपोजिशंस में, फैक्चुअल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और अगर वो फैक्चुअल स्टेटमेंट कन्वर्ट नहीं हो सकती तो हम अपना टाइम ख़राब ना करें, वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेटाफिजिक्स इज़ ए मियर वेस्टेज ऑफ टाइम। मेटाफिजिक्स बुद्धि विलास है। जो आदमी कुछ नहीं कर सकते, निकम्मे आदमी हैं, वो बुद्धि की उड़ान से उड़ते रहते हैं इधर उधर, वो कभी भी साइंटिफिक थिंकिंग नहीं कर सकते, उनके मन में कभी भी वैज्ञानिक थिंकिंग नहीं आएगी। और जब वैज्ञानिक थिंकिंग नहीं आएगी तो नई नई खोजें विज्ञान में हो ही नहीं सकती। जब तक मेटाफिजिक्स रहेगी, अब हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत निकाला, आइंस्टीन ने एक सिद्धांत निकाला रिलेटिविटी का। अगर हम मेटाफिजिक्स में लगे रहते तो कोई खोज नहीं हो सकती थी। रिलेटिविटी के सिद्धांत को पहले रिड्यूस किया उन्होंने फैक्चुअल जजमेंट्स में, और फिर उसको हमने वेद देखना शुरू किया। तो हम डिटेल में तो जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको हमने निष्कर्ष निकाल के कहा कि इस विश्व के अंदर एब्सोल्यूट साइमल्टेनियटी नहीं है, और उसको वही वेरीफाई करने का तरीका भी बता दिया कि दो जगह से आप पटाखा छोड़ो, एक पटाखा एक ही समय में छोड़ो 5:25 पर, लेकिन जो पटाखा आपने एक मील पर छोड़ा है उसकी साउंड आपके पास देर में पहुंचेगी, और जो पटाखा आपने घर के पास छोड़ा है उसकी साउंड अभी आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि जितना भी संसार के अंदर घटनाएं हो रही हैं वो रिलेटिव टू द जो आदमी ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर की पोजीशन के रिलेटिव है। इसीलिए हम जब ये कहते हैं कि सूरज की किरणें जो हमारे पास आती हैं वो 8 मिनट में यहाँ पहुँचती हैं, जो सूरज पे घटना 8 मिनट पहले 5:25 पर हो रही है वो यहाँ 5:35 पर पहुँचेगी 38 मिनट पर, जबकि बुध के सितारे पर वो 5:25 पर ही पहुँच जाएगी। अब वेरीफाई करके सारे देख लो, जब इसको वेरीफाई करके देखा तो हाँ रिलेटिविटी है, कहीं एब्सोल्यूट साइमल्टेनिटी है ही नहीं। तो इन चीज़ों को हम विस्तार से इसलिए नहीं कर रहे कि जब हमने साइंटिफिक स्टेटमेंट की बात कह दी कि वेरीफाई हो, तो इन पर डिटेल्स में जाने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। इसी तरह से श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने इनडिटर्मिनेसी का सिद्धांत खोजा। संसार में कोई भी चीज़ डिटर्मिनेट नहीं है। अब इन्होंने कहा कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, पहले तो देखो, तो देखा कि एटम रियलिटी नहीं है जिसको पहले मानते थे लोग। एटम को तोड़ा तो न्यूट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्हर्ल करता है, किस तरह से घूमता है, और उसके बीच में जो केंद्र है उसका, उसको जब हम देखते हैं तो जैसे इस पर फोटोन डालते हैं, लाइट डालते हैं, वो एकदम हट जाता है वहाँ से, और अगर लाइट ना डालें तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हम डिटरमिन नहीं कर पाते कि रियलिटी कहाँ है, वेरीफाई करके देख लो। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत दिए कि विज्ञान ने जो कुछ भी कहा है उसको ढंग से ला करके, और एक एक चीज़ अगर आप नहीं लाते तो वैज्ञानिक प्रगति हो ही नहीं सकती, आप उन चीज़ों में फंसे रहोगे जो मीनिंगलेस हैं। अब जब हम फैक्चुअल स्टेटमेंट को ही स्टेटमेंट मानते हैं तो हमारे सामने फिलॉसफी का काम है कि हर चीज़ को पहले फैक्चुअल स्टेटमेंट में रिड्यूस करें और फिर उसको वेरीफाई करके देखें, तो हमारे पास एक समस्या खड़ी हो जाती है। और वो समस्या हो जाती है कि जो फैक्चुअल स्टेटमेंट हैं उनको वेरिफिकेशन संभव ही नहीं है। ए मैन ought to obey the order of his parents, ये फैक्चुअल जजमेंट नहीं है।
अब चूंकि ये फैक्चुअल जजमेंट नहीं है, इसलिए फिलॉसफी इस पर विचार नहीं कर सकते। ये आपके सेंटिमेंट हैं। जितने भी मॉरल जजमेंट हैं वो अपने व्यक्तिगत, हमें गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, ये कोई साइंटिफिक जजमेंट नहीं है। ये मेरे अपने सेंटिमेंट में गाय को पवित्र समझता हूँ, गाय नहीं खानी चाहिए। दूसरे आदमी को कोई और सेंटिमेंट हो सकते हैं। मुझे अपने पेरेंट की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक आदमी माँ बाप से झगड़ा करता रहता है, वो कहेगा मुझे नहीं करना चाहिए। तो हम किस जजमेंट को वेरीफाई करें कि ये जजमेंट सही है, ये जजमेंट सही नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल जजमेंट नहीं है। ओट से कभी भी ईद नहीं निकल सकता और इससे कभी ओट नहीं निकल सकता। हम ये कहें कि सारे आदमी हिंदुस्तान के बेईमान हो गए हैं, तो इसके आधार पर हम ओट नहीं निकाल सकते कि आदमियों को बेईमान ही होना चाहिए। तो इसलिए मॉरल जजमेंट कोई भी वेरीफाइबल नहीं है। और चूंकि मॉरल जजमेंट वेरीफाइबल नहीं है, इसलिए मीनिंगलेस होते हैं सारे। वो पर्सनल सेंटिमेंट है। जो आदमी उसके समान सेंटिमेंट रखता है वो तो उसकी बात को कह देगा कि ये हमारा मॉरल लॉ है, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। तो हमारे 100 आदमी जो हैं वो एक ही सेंटिमेंट में एक ही वातावरण में पले हैं, तो उनका ये सेंटिमेंट बन जाएगा। लेकिन ये मॉरल लॉ साइंटिफिक है या नहीं साइंटिफिक है, इस चीज़ को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जाओ खिड़की खोल दो, अब इसे कैसे वेरीफाई करोगे कि मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ ये ट्रू है या फाल्स है? ये तो ऑर्डर है, ना ट्रू ना फाल्स, इसका कुछ नहीं परखा जा सकता। तो ये भी फिलोसफिकली मीनिंगलेस है। फिलोसफी की दृष्टि से, फिलोसफी का मतलब विज्ञान, विज्ञान की दृष्टि से ये भी मीनिंगलेस चीज़ है। अब रिलीजन रह गया। रिलीजन तो सारा का सारा फेथ पर डिपेंड करता है, और वो फेथ जो है कभी भी वेरीफाइबल नहीं होती। जो आदमी अपनी फेथ को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा वो नास्तिक कहलाएगा, अधर्मी कहलाएगा, धर्महीन कहलाएगा। इसलिए रिलीजन की फेथ को, रिलीजन के स्टेटमेंट को वेरीफाई किया ही नहीं जा सकता, उसकी अनुमति नहीं है। गॉड इज मल्टी हेडेड, अब लगता तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअल लगता है क्योंकि इज लगा हुआ है इसमें, लेकिन हम गॉड को कैसे देखें और गॉड काला है ये कैसे देखें, कोई मेथड बताओ। तो रिलीजन के सारे जजमेंट तो फेथ पर ही डिपेंड करते हैं, और उनको जस्टिफाई करने के लिए हम मेटाफिजिक्स का सहारा लेते हैं, जबकि मेटाफिजिक्स सारी मीनिंगलेस होती है। अब इसको डिटेल में हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने आयर को भी ख़त्म करना है। तो आयर ने इस तरह से जितने वैल्यूएशनल जजमेंट हैं जो फैक्ट से संबंधित नहीं वैल्यूज से संबंधित हैं, उनको सबको फिलॉसफी के फील्ड से निकाल दिया। रिलीजन फेथ पर निर्भर करता है, आदेशात्मक निर्णय जो है उस आदमी की स्थिति पर करता है। अगर वो आदमी जो है किंग है तो उसकी बात को आप टाल नहीं सकते हो कि खिड़की खोलो। अगर वो किंग नहीं है तो आप कह सकते हो मैं नहीं खोलता, तू खोल ले खिड़की, या ये कह सकते हो कि खिड़की खोलने का समय नहीं है, ठंडी हवा आ रही है। तो इम्पेरेटिव जजमेंट आदमी की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, उनमें कोई फैक्चुअल सत्य या असत्य नहीं होता, इसलिए वो भी मीनिंगलेस होते हैं। और ऐसे ही मॉरल जजमेंट जो हमारे सेंटीमेंट को, जो चीज़ ज़रा अच्छी नहीं लगती उसको हम कह देते हैं ये मॉरल है, लेकिन वो मेरे अपने जजमेंट होता है, वो कोई साइंटिफिक जजमेंट सारे यूनिवर्सल होते हैं।
साइंस का जजमेंट किसी व्यक्ति के सेंटीमेंट पर आधारित नहीं होता। साइंस के जजमेंट इसीलिए साइंस के जजमेंट वेरीफाइबल होते हैं, कहीं भी वेरीफाई कर लो उनको। आपने कुरुक्षेत्र में कहा कि ठंडी हवा चलने से टेम्परेचर 60 डिग्री गिर जाता है, तो शिमला में भी यही लॉ लागू होगा, ठंडी हवा चलते ही टेम्परेचर गिर जाएगा। तो साइंस के जजमेंट जो होंगे सब यूनिवर्सली वेरीफाइबल होंगे, और सेंटीमेंट हमारे अलग अलग होंगे। मुसलमानों के और सेंटीमेंट हैं, ईसाइयों के और सेंटीमेंट हैं। इसलिए मुसलमानों में हमारे यहाँ ये चीज़ मानी जाती है कि अपनी चाचा की लड़की से शादी नहीं कर सकते। मुसलमानों में ये कहा जाता है कि पहले अपने परिवार में ही शादी करो ताकि जायदाद ना बटे। बाहर जगह शादी कर दोगे तो कल वो जायदाद बांटने आ जाएगी, लड़की झगड़े होंगे और चाचा ताऊ की अपनी जायदाद है। तो अलग सेंटीमेंट हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेंटीमेंट हो ही नहीं सकता। और चूंकि सेंटीमेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए किसका सेंटीमेंट सही है किसका गलत है इसको परखने का कोई तरीका नहीं। तो आयर ने या लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वालों ने रिलीजन को भी ख़त्म कर दिया, मॉरलिटी को भी ख़त्म कर दिया, और मेटाफिजिक्स को भी ख़त्म कर दिया। अब प्रश्न ये होता है कि आदमी बिना वैल्यूज़ के प्रैक्टिकल लाइफ लीड नहीं कर सकता। CM जोड़ लॉजिकल पॉजिटिव पर बड़ा प्रहार करते हैं, साइंस जीवन यापन करने के लिए कोई वैल्यूज नहीं देती, फैक्ट इफेक्ट देती है। सूरज की रोशनी में बैठने से शरीर गर्म हो जाता है, ये फैक्ट है, लेकिन हमें सूरज की धूप में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए ये साइंस निर्णय नहीं कर सकते। ये तो आदमी करेगा, भाई जब मैं धूप में बैठता हूँ तो मुझे पसीना आ जाता है इसलिए धूप में नहीं बैठना चाहिए, और जब मैं धूप में से अलग बैठता हूँ तो मुझे सर्दी लगती है इसलिए मुझे धूप में बैठना चाहिए। तो ये वैल्यूज जो है, मैंने मिसाइल बनाई, मैंने बंदूक बनाई, इस बंदूक से मैं एक चोर को मारूं या अपने भाई को मारूं, साइंस ये निर्णय नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये फिलॉसफी लागू हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिकल लाइफ, हालांकि जोड ने भी थोड़ा सा इनको बचाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं सोशल साइंसेज में आती हैं, सोशल साइंस इज ऑल्सो साइंस। उन्होंने फिलॉसफी से तो जोड़ने भी हटा दिया। उन्होंने कहा कि फिलॉसफी का काम तो, उन्होंने बता दिया कि फिलॉसफी का काम तो साइंस का, साइंस के जजमेंट को परखना है और कोई काम नहीं। तो कहते चलो हमने तुम्हारी बात मान ली, तुम साइंस के जजमेंट को परखते रहो, लेकिन सोशल साइंस इज ऑल्सो साइंस, और सोशल साइंस जो है वो सोसाइटी के उतार चढ़ाव को तय करेगी। इस सेंटीमेंट के धारण करने से सोसाइटी को ये नुकसान हो रहा है, इस सेंटीमेंट से सोसाइटी को ये फ़ायदा हो रहा है, वेरीफाइबल हो जाएगा हमारा, हम सोसाइटी के संदर्भ में वेरीफाई करके देखेंगे तो वेरीफाइबल हमारे स्टेटमेंट हो जाएंगे सारे के सारे। तो इसलिए उन्होंने आयर के जो स्कूल था इस स्कूल को बिल्कुल समाप्त कर दिया। ये साइंस वाले अपने साइंस के फील्ड में जाएं, दे शुड नॉट इंटरफियर इन सोशल अफेयर्स एंड अफेयर ऑफ द वैल्यूज। साइंस वालों को इसमें टांग अड़ानी नहीं चाहिए। हमें अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है सोशोलॉजी तय करेगी। साइंस तो ये कह देगी कि ये भी एक औरत है, ये भी औरत है, तो घोड़ा जैसे ये नहीं देखता कि ये मेरी बहन है या ये मेरी माँ है, वो सब के साथ संभोग कर लेता है। तो साइंस तो फैक्चुअली यही वेरीफाई करेगी, लेकिन सोसाइटी, सोशल साइंस जो है देखेगी
कि इस जजमेंट से सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है और वेरीफाई करेगी इस जजमेंट को सोशल कंटेक्स्ट में। तो जब हम सोशल कंटेक्स्ट को ले आते हैं तो साइंस शुड नॉट इंटरफियर इन सोशल। साइंस हमारी फिलॉसफी के अंदर अपना फील्ड अलग रखे। साइंस की गुलाम बन जाए फिलॉसफी, साइंस की स्लेव बन करके काम करे, या साइंटिफिक अचीवमेंट या इंक्वायरीज को हाउ टू अप्लाई इनटू ह्यूमन लाइफ जब इसको लाएगी तो एकदम सोशल साइंसेज आ जाएंगे। तो इसलिए आईयर का सिद्धांत जो है उसको बिल्कुल हम ख़त्म कर देते हैं कि सीएम जोड ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन हमारे पास समय की कल हम और कुछ करेंगे, तो इसलिए हम आज आईयर को विदा कर रहे हैं कि जाइए अपनी साइंस को अपने पास रखिए, हमारे सोशल अफेयर में साइंस को मत आने दीजिए, अपने विज्ञान को मत आने दीजिए।